नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज इसीलिए मैं एक वीडियो लाया हूँ जागरूकता के। मैं वीडियो लाया हूँ COVID-19 का और वित्तीय संकट। इसमें हम बताएंगे ये अनुच्छेद 265 क्या होता है, 266 क्या होता है, 267 क्या होता है और PMNRF क्या होता है, PM CARES क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं COVID-19। ये होता है क्या COVID-19 में होता है? सब लोग जानते हैं कोरोना एक महामारी घोषित हुआ, WHO ने घोषित किया है महामारी। तब इसमें 19 क्या लिखा है? कोविड होता है कोरोना वायरस और 19 होता है कि ये 2019 में चीन के वुहान प्रांत से स्टार्ट हुआ, जो 2019 से चालू हुआ, इसीलिए COVID-19 कहा जाता है। इसमें देखा जा रहा है कि महामारी के अलावा भी काफी अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गया है, इसलिए भी वित्तीय संकट भी एक महामारी जैसा है जो अर्थव्यवस्था को ये गिराया जा रहा है, न कि बढ़ाया जा रहा है, ये सब लोग आप जानते हैं। तो हम बात करते हैं 265। 265 क्या होता है? आर्टिकल 265, इसमें होता है कोई भी कर या टैक्स दूसरों से या कर्मचारी से या फिर किसी भी वस्तु पर जबरन हम बढ़ा नहीं सकते, न उसे वसूल सकते हैं। ये हमारे 265 अनुच्छेद 265 में दिया गया है। इसमें होता है कोई भी टैक्स कि हमारा 265 आर्टिकल 265 में दिया गया है कि हम कोई भी टैक्स विध के विरुद्ध वसूल नहीं सकते, उसे हम आदेश देकर उसे हम वसूल नहीं सकते कि कर हम बढ़ा दें या ना बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी ये कि आर्टिकल 265 में दिया गया है कि कोई भी टैक्स विध के विरुद्ध उसे वसूला नहीं जा सकता। अब 266 की बात करते हैं। 266 में दिया गया है दिया गया भारतीय संचित निधि, इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कि राष्ट्रीय अधीन, दूसरा होता है राज्य। इसमें क्या होता है 266 में भारत की संचित निधि होती है वो कौन देखता है? जो राष्ट्र का पूरा होता है वो पूरे हमारे राष्ट्रपति देखे जाते हैं, और फिर जो राज्य के होते हैं वो राज्यपाल के नियंत्रण में रहता है, ये होता है। और इसमें क्या होता है जो भी टैक्स होता है उसमें जो आगे चलकर या फिर आपातकालीन जैसे समय में उसे क्या होता है टैक्स वसूलने का कार्य चलता है। तो इसमें देखते हैं जो भी होते हैं ये हमारे भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया है। ऐसे तो इसमें क्या होता है
जो होता है कर सबसे पहले जब ये लोग पास करेंगे कि मतलब आपातकालीन में कर वसूलेंगे बताएंगे, तो इसे सबसे पहले आपातकालीन में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन इमरजेंसी जैसे जानते हैं आप लोग कि उसे हम डायरेक्ट ले सकते हैं, और लेकिन जब डायरेक्ट ना होकर तब भी वो भी जैसे चल रहा है कोई सर्विस चल रहा है तो उसमें हम क्या करें टैक्स बढ़ा दें और टैक्स को ज़्यादा ले लें ना, टैक्स को ज़्यादा ले लें तब कैसे कहते हैं उससे जो दिक्कतें आएंगी कर्मचारी लोगों को वो किसके कहाँ जाएँ कैसे बढ़ाएंगे कैसे बताएंगे कि हमारा कर, तो ये देता है उन लोगों को जानकारी में रहता है कि 265 के अनुसार हम टैक्स ज़्यादा ना दें, अगर ज़्यादा देते हैं क्यों देते हैं तो जानने कहाँ थे, तो 265 के अनुसार कि कोई भी टैक्स विधि के विरुद्ध वसूल नहीं सकते और फिर वसूल सकते हैं कब जब आपातकालीन, उसमें होते हैं आपातकालीन 267 निधि, ये होता है ये भी दो प्रावधानों में होता है, पहला हो गया दूसरा हो गया राज्य, केंद्र जो होता है वो राष्ट्रपति के अधीन रहता है, जो राज्य होता है वो राज्यपाल के अधीन रहता है, तो इसमें जो होता है ये तो हो गया 265 में ये मालूम हो गया कि हम कोई भी टैक्स विध के विरुद्ध वसूल नहीं सकते, और फिर 266 में भारत में संचित निधि, भारत में संचित निधि जो होती है वो होता है राष्ट्रपति के अधीन और दूसरा राज्य के अधीन, ये होता है, और इसमें क्या होता है ये सब हमारे भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया है, और होता है कि ये जब ये डायरेक्ट बिल इसमें होता है 267 में आकस्मिकता निधि मतलब इमरजेंसी एक प्रकार से इमरजेंसी, ये होता है केंद्र और राज्य दोनों के अधीन रहते हैं, और इसमें जैसे डायरेक्ट होगा तो क्या करेंगे संसद में बिल पास करेंगे, अगर वो बिल पास हो जाते हैं तब जाके वो एक्ट में बदल जाता है। इसमें क्या हमें जब आगे वसूलना होता है टैक्स तो ये क्या करेंगे संसद में बिल पास करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है संसद में बिल पास नहीं करेंगे, इसमें क्या होता है बिल पास नहीं करेंगे और टैक्स डायरेक्ट रूप से लिया जाता है, पीएम नाम होता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये होता है पीएम एनआरएफ, पीएम एनआरएफ होता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ये होता है, इसमें क्या होता है इसमें जो भी मतलब आपके पास जितना हो सके मुद्रा ये आप लोग डोनेट करते हैं, इसमें जो गरीब वगैरह हैं मतलब जो प्रभावित चल रहे हैं इस रोग महामारी से, तो ये जाके इसमें जब आप देंगे डोनेट करेंगे तो उन गरीबों को मतलब किसी प्रावधान द्वारा उन लोगों को रिलीफ दिया जाता है, और एक होता है पीएम केयर इसी तरह है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी, ये होता है, इसमें भी वही कार्य होता है पीएम केयर भी जो आप लोग डोनेट करते हैं जितना मनी वगैरह होता है उतना डोनेट करते हैं तब जाके किसी तरह से गरीबों
जो महामारी से जूझ रहे होंगे, उन लोगों का जांच वगैरह जो भी सुविधाएं होती है उपलब्ध रहते हैं। और ये बनाया कब है? ये बनाया गया 28 मार्च 2020 को बनाया गया। ये होते हैं पीएम इनारो और पीएम किए। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं, COVID-19 कोरोना वायरस जो 2019 में आया इसलिए COVID-19 कहा गया। और ये वित्तीय संकट मतलब ये जो महामारी है WHO ने ये महामारी घोषित किया। और वित्तीय संकट जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्पेन, भारत जैसे, चीन जैसे देश में जो महामारी आई है तो इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था भी इधर से उधर हो गया है, तो इसीलिए वित्तीय संकट भी कहा गया। पीएम ने अनुच्छेद 265 में था कि हम कोई भी टैक्स विध के विरुद्ध उसे हम ले नहीं सकते, उसमें कोई भी विधि होनी चाहिए, लॉ होनी चाहिए, कानून में रूल्स होने चाहिए, तब जाके उससे हम टैक्स ले सकें, जबरन हम किसी से टैक्स नहीं ले सकते। यही क्या होता है 266 होता है कि हाँ अगर कोई टैक्स लेना है तब लेना है। तो अब पहले तो उसमें होता है कि एक संसद में आप लोगों को या राष्ट्रपति या जो राज होते हैं तो राष्ट्रपति को संसद में बिल पेश करना होगा। और जो होता है राज्य में, अगर राज्य में टैक्स वगैरह या रूल्स वगैरह लेना है तो फिर वो संसद में जाके बिल पेश करें। तब अगर बिल पेश हो जाता है, पास हो जाता है तो उसके अनुसार हम टैक्स या फिर कोई भी कानून बन जाता है। ये 266 में दिया गया कि कोई भी टैक्स अगर लेना है तो वो हम संसद में पास कराएं, अगर पास नहीं होता है तब जाके वो टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो कोई भी एक्ट नहीं बनेगा। और 266 में होता है 267 में होता है कि आकस्मिक निधि ये होता है कि इमरजेंसी जैसे वो बिना संसद में पेश किए डायरेक्ट आपसे कर ले सकता है, ये होता है 267। और ये तो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे PMNR और PMK। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आज ये हमारा